वेलकम टू विक्की मोहिते चैनल। और मैं बहुत दिनों के बाद आपसे बात कर रहा हूँ। मेरा थोड़ा गला खराब था इसलिए बात करने के लिए जम नहीं रहा था, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन ये जो सब्जेक्ट मैं आज बात करने वाला हूँ वो काफ़ी इम्पोर्टेंट था और बहुत दिनों से सोच रहा था इस सब्जेक्ट के बारे में बात करने की। जब भी मैं बाहर शूट के लिए जाता हूँ मुझे बहुत सारे आंसर मिल जाते हैं कि सर फ्रीलांसर कैसे बनते हैं, या फोटोग्राफी के मुझे फोटोग्राफर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, कैसे फोटोग्राफी करते हैं, स्ट्रीट फोटोग्राफी क्या है। और मैं जब भी स्ट्रीट फोटोग्राफी होती लोगों को मालूम नहीं है, और जो मॉडल फोटोग्राफी है आमतौर पर हम शादी की फोटोग्राफी करते हैं, पोर्ट्रेट फोटोग्राफी, तो उसमें मैं थोड़ा मैंने स्ट्रीट फोटोग्राफी भी आपको दिखा दूंगा। और मैं जो पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करता हूँ या सिर्फ बर्थडे वे पे या त्यौहार व्यवहार पे जब मैं फोटोग्राफी, वो भी आपको मेरे फोटोज दिखा दूंगा। तो मैं इस सवाल का जवाब मतलब बहुत ही सिंपल है एक्चुअली। मैंने जब फोटोग्राफी चालू की थी 96 में, तो आज जितने प्लेटफॉर्म्स हैं उतने नहीं हैं। और सबसे बड़ा आपको प्लेटफॉर्म है अगर आपको फ्रीलांसर या फोटोग्राफर बनना है या आपको वीडियोग्राफर बनना है तो सोशल मीडिया। और बस आपको इससे बेहतर प्लेटफॉर्म नहीं मिल सकता। मैंने फोटोग्राफी चालू की थी तो मेरे एक दोस्त ने इस वॉकमैन के साथ, मैंने अभी तक क्या पुरानी चीज़ हो गई क्लासिक, और एक ये लिया था कैनन का एक मिड रेंज फिल्म कैमरा लिया था। तो उस वक्त मुझे कुछ मोड्स वगैरह उसकी पता नहीं थी, किस तरह कैमरा हैंडल करना है मुझे पता नहीं था। तो मैंने अपने दोस्त से पूछा कि तो तुम उसने बताया इस व्यू फाइंडर से देखना है और इस यहाँ से क्लिक करना है, उतना ही मुझे पता था। तो मैंने कुछ फोटोज मैंने हॉलीडेज पे जाने से पहले मैंने खींचे, और फोटोज बाद में उसके मम्मी ने देखे जो एक फैशन डिजाइनर के लिए कपड़े सीती थी और फैशन इंडस्ट्री के से जुड़े होने की वजह से उनको फोटोग्राफी के बारे में नॉलेज था। और विदेश में भी उन्होंने बहुत सारे प्रदर्शन देखे थे, तो उन्होंने वो फोटोज देखे। तो उन्होंने बोला कि ये किसने निकाले फोटो, तो मेरे दोस्त ने बताया कि विकी निकाले। तो मेरा नेचर ऐसा था कि मैं कोई चीज़ सीरियसली लेता नहीं था और लोग मुझे सीरियसली नहीं लेते थे ऑब्वियसली। तो उनको लगा कि नहीं विकी ने नहीं लिया, तो झूठ बोल रहा है, नहीं मेरे दोस्त ने यकीन दिला कि विकी ने लिया है। तो उन्होंने मुझे बुलाया और पूछा कि ये फोटो आपने किसे निकाला, क्यों निकाला इसे। तो मैंने बोला मुझे अच्छा लगा इसे, जॉब देना नहीं आता, मैंने निकाला। तो उनको एक समझ में आया कि इसके पास फोटोग्राफिक माइंड है करके, उन्होंने इंकरेज किया मुझे कि जा करके। लेकिन मैंने पिताजी को बताया तो पिताजी को बात समझ में नहीं आई। पिताजी हमेशा हर बात को नहीं बोलते, नहीं हमेशा नहीं, कोई भी बात उनको बोले तो नहीं बोलते। तो मैंने वो बात वहाँ पे छोड़ दी। लेकिन बाद में सोशल मीडिया आने के बाद जब मोबाइल आया और मेरे काफ़ी सारे दोस्त जो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि ये फोटोग्राफी करने वाले, जो जो दोस्त जिसके साथ मैं खाना खाता था वो फोटोग्राफी करने लग गया, आज वो फिल्म इंडस्ट्री में काम करता है। तो मुझे ये बात कही थी, मतलब मैं फोटोग्राफी सबसे पहले चालू करने का, मेरे कई सारे जो दोस्त थे वो फोटोग्राफी में आगे बढ़ चुके थे और मेरे पास कैमरा ही नहीं था। तो फोटोग्राफी सीखने के लिए आपको मतलब कोई ऐसा मतलब बड़ा कैमरा या कुछ ऐसी जरूरत नहीं वीडियोग्राफी है। ये अभी मैं मोबाइल का यूज़ कर रहा हूँ, मेरे पास DSLR है, इसके बावजूद मैं मोबाइल का यूज़ करता हूँ क्योंकि मोबाइल कहीं भी आप ले जा सकते हैं, हल्का होता है, छोटा सा ट्राइपॉड पे लगा दिया बात करना चालू। तो आजकल के मोबाइल बहुत ही कैमरा बहुत ही अच्छे आने लगे। तो मैंने जो मेरे पास पहला जो सैमसंग का गैलेक्सी का एक छोटा सा गैलेक्सी का फोन था उससे फोटो लेना चालू कर दिया, फिर से स्ट्रीट फोटोग्राफी करने लग गया। तो स्ट्रीट फोटोग्राफी करने करते 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 ऐसे फिर मैंने तो कैमरा ले लिया। सबसे पहले इंस्टाग्राम अकाउंट बनाना तो बहुत जरूरी है क्योंकि आपको लोगों को पता चलना चाहिए आप क्या करते हो, आप फोटोग्राफी करते हो तो कैसे करते हो,
उसको तो वो देखते हैं कि जब तक तो लोगों को पता नहीं चलेगा आपको काम कैसे मिलेगा। तो बाद में मैंने ऐसा एक कैमरा ले लिया जो मतलब स्टार्टिंग लेवल का कैमरा, इतना महंगा नहीं, कैनन का 200D आपको मालूम है, बहुत मशहूर कैमरा है जो वीडियोग्राफी के लिए बहुत अच्छी, वीडियोग्राफी के लिए बहुत अच्छा है, फोटोग्राफी के लिए भी अच्छा है। तो कैनन के कलर्स बहुत अच्छी खींचता है वो कैनन का कैमरा। तो मैंने उस पर चालू किया, मैंने क्रिसमस में फोटो निकाले, कुछ दोस्त जो मॉडल वो मॉडल बना है उनकी दो फोटोज निकाले, फिर लोगों को जाके बताया कि मैं इस तरह कर सकता हूँ। फिर कुछ ही दोस्तों को जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स है जो शादी शादी वगैरह का फोटोग्राफी करते हैं, उनसे बोला कि मुझे काम दो। एक्चुअली मेरा मेरा काम ऑलरेडी है, लेकिन इसके बावजूद मैं फोटोग्राफी करना चाहता है। तो मैं मेन मतलब फोटोग्राफी से पैसा पैसा कमाना नहीं था, लेकिन मुझे बनना था, कभी फोटोग्राफर बनना था, तो मुझे उसमें से पैसा जीता। तो इस तरह आपको काम मिलता है। अगर पहले आपको स्टार्ट करना है, सबसे पहला आपको प्रूव करना है, चाहे वो एडिटिंग हो या फोटोग्राफी हो या वीडियोग्राफी, सबसे पहले यूट्यूब। यूट्यूब फ्री प्लेटफॉर्म है, जो भी करना है पहले सबसे एडिटिंग फोटोग्राफी करना है तो वीडियोग्राफर बनना है तो आप वीडियो बनाओ, कंटेंट मेकर बनो, एडिटिंग करके बताओ, सस्ते में कोई जरूरत नहीं, महंगा कैमरा नहीं, एक मोबाइल ले लिया और भी ऐप बहुत सारे इसमें एडिटिंग कर ली, तो लोगों को पता चला कि आप कर सकते। अगर आपको फोटोग्राफर बनना है, इंस्टाग्राम बहुत सारी साइट्स है, उसमें जाके एक स्टार्टिंग लेवल का कैमरा लेके जो 40,000 40,000 का वो बॉडी आता है कैनन का वगैरह, अभी 25,000 का भी आता है, तो ऐसा कैमरा लेके आप फोटोग्राफी स्टार्ट कर सकते हो। तो लोगों को पता चले आप क्या, आपका कितना आप में क्षमता है, तब जाके आपको काम मिलेगा। फिर धीरे धीरे आपने किसी दोस्त को बोल दिया कि आपके बर्थडे पे मैं फोटो खींचता हूँ, फ्री में खींचता हूँ या कम पैसे में खींचता हूँ, तो ऐसे करके थोड़ा तो पैसा आते जाएगा, फिर लोगों को पता चलेगा, फिर बाद में आप पैसे बढ़ाते जाना जैसे आपका मतलब काम मिलने लगता है। तो इसी तरह आप फ्रीलांसर बन सकते हो, फ्रीलांसर बिना मेहनत के बन नहीं सकते, और फ्रीलांसर बनने का एक ही तरीका है जो मैंने अभी बताया। हर फ्रीलांसर जितने भी आप इंटरनेट पे जिनका काम वीडियोग्राफर या यूट्यूबर, अभी यूट्यूब में मैं वीडियो बनाता हूँ, मुझे इनकम आता है बिल्कुल, अभी तो नहीं आता है, लेकिन फिर भी मैं ऐसे इसको करता हूँ जैसे मैं प्रोफेशनल हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है आगे बहुत इसका फायदा है। तो इसी तरह करते, पहले फायदा नहीं देखते, पहले आपका नाम होना चाहिए, लोग आपको पहचान है, यार विक्की मुत्या कंटेंट मेकर है, फोटोग्राफर है, ये करता है, फोटोग्राफी करता है, वीडियो बनाता है, तो तब जाके आपको लोग काम देंगे। तो सबसे पहले आपको नाम बनाना होगा, उसके मेहनत करनी पड़ेगी, और भले आपको पहले स्टार्टिंग बहुत कम पैसा या नहीं आए, तो ऐसे काम करना जैसे आप प्रोफेशनल हो, फिर देखो आपको फायदा है। बस एक यही तरीका आप फ्रीलांसर बन सकते हो। तो आज से पूरा पक्का निश्चय कर लो कि आप करना है लग, और मेहनत करना, और सबसे जो फ्री प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया, उसका सबसे ज्यादा फायदा लेना, और आपको कोई आप में टैलेंट है तो आपको कोई रोक नहीं सकता, आपको कोई ना कोई आपका टैलेंट देखेगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरा वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, और ये वीडियो जरूर शेयर करना, और ना सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं जब भी बाहर जाता हूँ मुझे बहुत सारे लोग मिल जाते मरीन ड्राइव पे या मुंबई के कोने कोने के, आपका चैनल देखा है लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करते। ये फ्री है, बिल्कुल सब्सक्राइब करो, शेयर करो, बेल आइकॉन दबाना नहीं भूलना, क्योंकि आपको अपडेट्स मिलते जाएंगे अगर वो बेल आइकॉन दबाएंगे तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन, जय हिंद जय महाराष्ट्र।